हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने लगभग 10 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में डिस्कस किया था। इस लिस्ट में अगला नाम है लक्ष्मी सहगल का। इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1914 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रांत में, और इनका पूरा नाम था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इनके पिता का नाम था डॉक्टर एस स्वामीनाथन, और इनकी माता का नाम था एवी अमुकुट्टी। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी और क्रांतिकारी थी, और इनकी मृत्यु हुई थी 23 जुलाई 2012 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल भारत की एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के सामने एक शेरनी की तरह लड़ने का अदम्य साहस भरा। इसके साथ ही उन्होंने सिंगापुर में भारत के अप्रवासी गरीब मजदूरों के की मदद के लिए एक निःशुल्क हॉस्पिटल खोला। लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता संघ की सक्रिय सदस्य भी बनी। एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे एक राष्ट्रीय सेना की अधिकारी और आज़ाद हिंद सरकार की महिलाओं के मामले की मिनिस्टर थीं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है लाला हरदयाल का। इनका पूरा नाम था हरदयाल सिंह, और इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1884 को ब्रिटिश भारत के दिल्ली में, और इनकी मृत्यु हुई थी 4 मार्च 1939 को फिलाडेल्फिया में, यूएसए में, और इनको मास्टर्स ऑफ लेटर्स पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और ये एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। दिल्ली में जन्मे लाला हरदयाल सिंह भारत के एक राष्ट्रवादी नेता, क्रांतिकारी और महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने का साहस भरा था, और दुनिया के कई हिस्सों का भ्रमण कर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। इसके साथ ही लोगों के मन में आज़ादी पाने की भावना जागृत की थी। अपने पूरे जीवन भर राष्ट्रहित के लिए काम करने वाले क्रांतिकारी लाला हरदयाल गदर आंदोलन के प्रमुख नेता और सामान्य गदर पार्टी के महासचिव भी थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है लाला लाजपत राय का। इनका पूरा नाम था श्री लाला लाजपत राधाकृष्ण राय जी, और इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को धूड़ी के गांव पंजाब में। इनके पिता का नाम था श्री राधा कृष्ण जी। इनकी माता का नाम था श्रीमती गुलाब देवी जी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज और हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। श्री लाला लाजपत राय जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्हें शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी इत्यादि उपाधियाँ भी मिल चुकी हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को पाकिस्तान के लाहौर में। लाला लाजपत राय को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज भी याद किया जाता है। उन्होंने भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मशहूर तिकड़ी लाल बाल पाल के एक प्रमुख नायक थे, जिन्हें एक प्रभावी राजनेता, प्रसिद्ध वकील, सुविख्यात लेखक और महान समाज सुधारक के रूप में भी पहचाना जाता है। लाला लाजपत राय के भाषणों में इतना प्रभाव था कि ब्रिटिश शासक भी उनके सामने पानी भरते थे। वहीं लाला लाजपत राय मरते दम तक देश की सेवा में लगे रहे और भारतीय समाज में फैली कई बुराइयों को दूर किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे जी का। इनका पूरा नाम था महादेव गोविंद रानाडे, और इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1842 को महाराष्ट्र के नासिक में, और इनकी मृत्यु हुई थी 16 जनवरी 1901 में। और ये एक महान भारतीय समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद थे। महादेव गोविंद रानाडे जी की पहचान भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में होती है। रानाडे जी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में लगा दिया। महादेव गोविंद रानाडे की पहचान न सिर्फ एक सच्चे देश प्रेमी और महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थी, बल्कि उन्हें एक महान समाज सुधारक, विख्यात लेखक और प्रसिद्ध न्यायविद के रूप में भी देखा जाता था। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही नहीं, गोविंद रानाडे जी ने
बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के साथ केंद्र में फाइनेंस समिति के सदस्य और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर भी काम किया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है महात्मा गांधी का। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और इनके बच्चे थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके त्याग, समर्पण, बलिदान की वजह से ही आज हम आज़ाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं, वे एक आदर्शवादी, नैतिकवादी, सिद्धांतवादी विचारधारा वाले भारत के आज़ादी के महान नायक, महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ वे एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, वकील और महान समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना सशक्त हथियार मानकर भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए कई बड़े आंदोलन लड़े थे और ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे सादा जीवन, उच्च विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने प्रभावशाली और महान व्यक्तित्व का प्रभाव हर किसी पर डाला था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मंगल पांडे का। इनका पूरा नाम था मंगल दिवाकर पांडे और इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। इनके पिता का नाम था दिवाकर पांडे और इनकी माता थी अभय रानी और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटकाए जाने के कारण। और ये इन्हें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके रोम रोम में राष्ट्रप्रेम की भावना निहित थी और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भरा था। 1857 की क्रांति मंगल पांडे की ही देन थी। इस क्रांति ने भारत को आज़ादी तो नहीं दिलवा पाई, लेकिन हर भारतीय के मन में आज़ादी पाने की अलग जगा दी थी। मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के संघर्षों के बाद ही कई सालों तक आज़ादी की लड़ाई चली और साल 1947 में हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त हो सका। मंगल पांडे भारत के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अकेले दम पर भी ब्रिटिश अफसर पर हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अबुल कलाम आज़ाद का। इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन और इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में। और इनकी माता थीं आलिया बेगम और इनके पिता का नाम था मौलाना खैरुद्दीन। इनकी पत्नी थी जुलेखा बेगम और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी, नेता और एक कवि थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के करीबी दोस्त माने जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। उन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलवाने वाले कई आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी भागीदारी से स्वतंत्रता आंदोलन की नींव मजबूत करने में मदद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काफ़ी एक्टिव मेंबर थे, जिन्हें महज 35 साल की उम्र में ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मोतीलाल नेहरू का। इनका जन्म हुआ था 6 मई 1861 को आगरा में और इनकी मृत्यु हुई थी 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में। इनकी पत्नी थी स्वरूप रानी और ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता, भारतीय वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता भी थे। ब्रिटिश काल के दौरान आगरा में जन्मे मोतीलाल नेहरू का नाम भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर शुमार है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। राष्ट्रप्रेम की भावना उनके अंदर इस तरह निहित थी कि एक अच्छे वकील होने के बावजूद भी उन्होंने वकालत छोड़ दी और देश को आज़ाद करवाने के लिए जुट गए। इसके अलावा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राम मनोहर लोहिया का। इनका पूरा नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अकबरपुर में, और इनकी माता थी चंदा देवी और इनके पिता का नाम था हीरा लाल। इनकी मृत्यु हुई थी 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में, और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और क्रांतिकारी लेखक थे। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले राम मनोहर लोहिया जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अपने सिद्धांतवादी, नैतिकवादी, तेजस्वी राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधारा से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। आपको बता दें कि एक राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ वे एक सुविख्यात लेखक भी थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के शाहजहाँपुर में, और इनकी मृत्यु हुई थी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। और इनकी माता का नाम था मूलमती और इनके पिता थे मुरलीधर, और ये एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के एक सच्चे देशभक्त और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए थे। उनके अंदर राष्ट्रप्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। यही वजह थी कि वे महज 11 साल की छोटी सी उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे। वे एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक मशहूर शायर, महान इतिहासकार, सुविख्यात लेखक और सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव रखी थी। इसके अलावा काकोरी कांड और मणिपुर षड्यंत्र में भी उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही थी। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।